नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यालय शांति वन में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती जी की 57वीं पुण्य स्मृति। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई विधायक और सांसद रहे उपस्थित। और बुलेटिन में होंगी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी खबरें। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मां जगदम्बा सरस्वती जी की 57वीं पुण्य स्मृति दिवस के मौके पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत कई मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हुए। मातेश्वरी को याद करते हुए मैं महिलाओं को उनके साथ जोड़ के यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि ये परिस्थिति कोई नहीं बदल सकता, ये परिस्थिति हम ही बदल सकते हैं। और आप तो बहुत ही सौभाग्यवान हो कि इस चीज को आप लोग समझ के यहाँ आए हो और समझ के आके आप उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ाने के लिए अपने आप को इतने सालों से इन चीजों में ढाल करके और आप तक इस सीख को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सारा संसार जिसे कामधेनु, आदि शक्ति और सरस्वती के नाम से पुकारता है, वही माँ जगदम्बा साक्षात रूप में इस धरती पर चली। अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, गुहिया ईश्वरीय ज्ञान को सहज कर समझाया। ऐसी प्यारी माँ जगदम्बा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका ही नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा संपूर्ण अवस्था पाने में भी नंबर वन थी। उनके 57वां पुण्य स्मृति दिवस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जहां संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मम्मा के संग बिताए पलों और उनकी शिक्षाओं को साझा किया। मम्मा की मधुर स्मृतियों को लेकर हमारे पास संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अफ्रीका से राजयोगिनी बीके वेदांति दीदी, दिल्ली से राजयोगिनी बीके चक्रधारी दीदी, बिहार से राजयोगिनी बीके रानी दीदी, अहमदाबाद से बीके चंद्रिका दीदी और जयपुर से बीके सुषमा दीदी के संदेश आए, जिन्हें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मम्मा ने जो फ्रॉक पहनती थी वो फ्रॉक छोटे करा के मुझे पहनाए। मम्मा के फ्रॉक मैंने पहने, ऐसा वरदान लगा, ऐसी शक्तियां उसके अंदर भरी हुई थी। मैं तब से ही सफेद वस्त्र धारण किया, उसके बाद मैंने कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने। लेकिन जब सफेद कपड़े पहनने की शुरुआत की तो मम्मा के ही वस्त्र पहनती रही, मम्मा के ही दो तीन फ्रॉक जो मुझे मिले वही पहनती रही। ये मेरा परम सौभाग्य। अब खबर है इंटरनेशनल योगा डे की। सबसे पहली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां सरकार द्वारा ग्वालियर किले पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक शेजवलकर समेत कई राजनीतिक हस्तियां मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था से लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श समेत कई बीके सदस्यों ने कार्यक्रम में शामिल होकर योगाभ्यास किया। अब दूसरी खबर है हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की, जहां 1500 से भी अधिक लोगों की उपस्थिति में योग दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें तेलंगाना योग समिति के अध्यक्ष रवि किशोर ने योग के महत्वों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान ही शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप को लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान कोरोना काल में मानवता की सेवा करने के लिए प्रदान किया गया। इस मौके पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राष्ट्रीय सचिव बीके दीपक हरके मौजूद रहे। इसी क्रम में देखिए खबर रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र की, जहां शहर की कई जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति में योग कार्यक्रम का आगाज किया गया।
उसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने योग का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। अब खबर दिल्ली की, जहां लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था के केंद्रीय कार्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय में वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष और लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने अधिकारियों को श्रेष्ठ संकल्पों से जागृत होने वाली शक्तियों और प्राप्तियों की जानकारी दी और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। आज से हम क्या करेंगे, मेडिटेशन माने आई विल चेंज माय स्टाइल। योगा डे मतलब यही है कि हमें शरीर को तो ठीक करना ही करना है, तो मस्ट है, लेकिन साथ साथ हमें अपने मन का भी स्वास्थ्य के बारे में सोचना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा दो भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के एल वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रमोद दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर रायपुर क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला की मौजूदगी में योग प्रशिक्षक ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को योगाभ्यास कराया, साथ ही बीके बहनों ने राजयोग मेडिटेशन का गहन अभ्यास कराया। अब दिखाते हैं खबर हरियाणा के करनाल की, जहां सेक्टर 7 में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम की उपस्थिति में आयोजित भव्य कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक ने योगाभ्यास कराया, जिसमें खुद बीके प्रेम ने भी योगाभ्यास कर सेहत का ख्याल रखने का संदेश दिया। ऐसे ही हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में 300 कुमारियों ने जमकर राजयोग मेडिटेशन और योगाभ्यास किया। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके विजय और बीके बिंदु मुख्य रूप से मौजूद रहे और अपने आशीर्वचनों से कुमारियों को आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने के लिए प्रेरित किया। सारी नेगेटिविटी छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे। ऐसे गुजरात के वडोदरा स्थित सयाजी गार्डन में ब्रह्मा कुमारीज और वीएमसी द्वारा संयुक्त आयोजन किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारी नरेंद्र भाई, डिप्टी कमिश्नर मीना बेन, अलकापुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना मुख्य रूप से मौजूद रही और कार्यक्रम का लाभ लिया। योग से होती कंचन काया, योग में हर उपचार समाया। योग करें और सबको सिखाएं, योग तो है संस्कृति हमारी। जाती पावन ऊर्जा योग से आती, जीवन का हिस्सा यह खास, रोज करें योगाभ्यास। सदा सलामत खुद को बनाए, नव युग लाए।
से मिले परम विश्राम। योग है स्वस्थ रहने का नाम। योग में हर उपचार समाया। योग करे और सबको सिखाए। आओ योग से नव युग लाए। आओ योग से नव युग लाए। आओ योग से नव युग लाए। परम विश्राम। योग है स्वस्थ रहने का नाम। योग में हर उपचार समाया। योग करे और सबको सिखाए। आओ योग से नव युग लाए। आओ योग से नव युग लाए। आओ योग से नव युग लाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।